brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. ताई पहले तो ये बताओ कि बड़ी दिलचस्पी होती है वहाँ दिल्ली नोएडा की लड़कियों को ये जानने की कि ये महिलाएं जो है ऐसे दुपट्टा चुन्नी क्यों कर लेती हैं। ये बड़ा से होती है कदे तो कदे रवाज से बड़ा से मुडकना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं यानी डाठा डाठा आंखें आंखें दिखती रहती है आपकी। तो इसे घुटन वगैरह ऐसा नहीं होती? नहीं होता। आज दिन चला जब ना हुई घुटन वो लोगा के भी बांध दिए। सच्ची बताइयो ना ताई ना कोने आए कदा हमने जेड़े में गलवा दो ए ताई ना भगवान जी वो जब लोगा के बांध दिए जब नहीं हुआ घुटन है बताओ। वो था मास्क, मास्क था तो यो भी मास्क है किस्म का मास्क मास्क हां मास्क है वो कर रही। अच्छा तो ये बताओ कि जैसे सरकार रही तो जैसे बुढ़ापा पेंशन होगी, जैसे दुष्यंत चौटाला ने भी कही थी कि भाई पेंशन 5100 हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। अब दुष्यंत चौटाला कही कही जा रहे तो लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो गया वो ना अवार्ड कर दे भी क्यों मोदी में मिल गया जब ये सब क्यों कट गया उस टाइम ये तो वे तो चान सही सके दीपंदर के और आग लेके कर्म ठहरे। इसकी तो उड़की से तभी ना हुआ चोरी करा पकड़न दे चोरी करा हम मोदी जाए तो बनाना कोने बना सब क्या है मरो चोरी क्या की ये बोटा उन में करा है मशीन ना में मशीन है पेटियां बदलने हैं बढ़िया काम करता कर देते हैं कदे तो बढ़िया काम करे बेटी नहीं लग गया नौकरी को प्रश्न बहुत आई हो जितने भी काम करे उतने बढ़िया करे दीपंदर ने रागा वो भी बढ़िया ही करेगा कती बुढ़ी ने कुछ कुछ देंगे किसी के बालक लगवा दो कोई भी नहीं काम करया नहीं बढ़िया काम पानी को अंता ना अड़े पीने का और तो के बुझ जागी बताओ मेरे गंध में डांगर लौटे बेटी कच्ची कर दी है सब क्या प्राइवेट सब क्या बेच का खा गया। दीपेंद्र ने कही 6000 पेंशन होगी। खुश हो रही हो आप? हाँ कती खुश हो रही है ना काम सुथरे करा दे किसी का बालक लगा दो जब लोग मानसा सारा लगेगा बेबे बुढ़े है और छोरे उनके नौकरी लागे दे छोरे का बुढ़े के सकते बाजे बाजे से तो किसे पलसन तो अपना गुजारा तो करेंगी। 3000 बतेरे वो 300 नवे बतेरे तो दिक्कत के है तो बढ़िया काम करे अगला वोट रहा है तो करेगा झूठी बात ना है एक भी रोड़क बने इसकी बात में ना करेगा ताकि तो गया। अच्छा मतलब दीपेंद्र ने काम नहीं करे ताकि वोट नहीं दोगे और कोई ना दे नहीं था ताई। जैसे ना एक बात कही जाती है हरियाणवी लोगों के बारे में कि हरियाणवी लोग ना कुछ बोलते वक्त मतलब डरते नहीं है बड़ा मतलब ऐसे अडब के बोलते हैं। अपने जुम्मे का ऊपर शाम है कि किसे का लेकर खा रखे है ठोका ही काम करूंगा। आज उड़ा अमदारे थे रोहतक है जीत इसका प्रोग्राम हो रहा उसमें टीवी पर इसका दीपेंद्र उड़ा का हाँ उड़ गई थी आज देखो बेबे बढ़िया है जी लग गया बढ़िया लग गया बढ़िया लग गया ठीक है क्योंकि मैं कहीं उड़ा है हाँ उसमें देखाओ दे उस पर पर्दे है पर अच्छा बढ़िया काम कर रहा है भूल गई। अच्छा ताई ये बताओ कि आप मतलब जैसे टाइम चेंज हो रहा फोन फान चलाया करो? हमने कोई ना फोन चलाने बेटी सीख लेंगे मिल जाएगा सीख लेंगे। अच्छा मतलब जैसे टच टू चाला छोरी छारी आपकी खूब है। अच्छा मैं चलाऊ आप ना सीखते लेकिन आप ना आता नहीं नाम था कोने सका मिल जा शाय कोने सिक्का कित है दोरो पाछा तो नहीं सीख लेंगे इसी चीज कुर्सी जो मानस जो ना आवे सारे काम। जैसे आप गांव देहात की महिला हो आप पशुपालन करो दूध बेचो लासी वगैरह सब अपने करता बनाओ है ना तो मैं ये कहूँ कि ग्रामीण जीवन में बड़ा कम खर्चा हुआ है ना तो इसमें जैसे आप जैसी महिला होगी तो वे अपना घर खर्च यू करके निकाल ले हैं। निकाल ले है अब क्या कराए बालक तो पालने पड़ेंगे नौकरी तो सहको ना यो बिना करा तो बालक भूखे मर जाए मनस है सब बाजा बाजा सब्जी भी नहीं बना सकता इसे मंगवाड़ी में। अच्छा ताई कदे यू आवे कि मैं पढ़ ली होती तो आज कुछ समय बदल रहा होता कती नहीं हम पढ़निया तो बाज सा कती न्यो को पढ़निया के मनी से ना भूख्या मनी मरे अना कर हाथ पास है कि मैं कर लियो कोई नौकरी पर कर लो कोई अपना घरा कर लियो उन तभी घना काम करते हमें।
नौकरी को ना कती नहीं साइत दे ना रोगी पसीना आवे तुम चलो गाड़िया मारा थारी गाड़ी की सफेद तो पाया चल लांगे ताई ना की तू दिखावा ताई नहीं ताई मैं याद करूंगी आपकी इन बातों ने। अच्छा जैसे कि आप ये बताओ ताई, जैसे राजनीति में बड़ी कम महिलाएं अपने हरियाणा में, मतलब आप देखोगे तो सारे मर्द मर्द हैं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, तो बड़ी कम ऐसी महिलाएं हैं, है ना? तो आप इस चीज की कमी महसूस करो सो के महिला नेता भी होनी चाहिए बहुत सारी, घनी सारी गति जब हम पढ़ नहीं रहे किम कर नहीं रहे तो वो के करागे जैसे मतलब न्यू हो गया ना कि लुगाइया की सरदारी होनी चाहिए, लुगाई सीएम बननी चाहिए, ई डाल की आपके मन में नहीं मतलब लुगाइया का केस लुगाई तो पाछ महिला की सरदारी को ना कोर्ट में देख ले, थाना में देख ले, थाना में देख लो, कोर्ट में देख लो, तहसील में देख लो, स्कूल में देख लो, बैलगाड़िया में देख लो, खेत में देख लो, कित को ना महिला सारी जगह बता राजा महिला कह रहा है। बस ये है कि मुख्यमंत्री बननी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बना हुआ भाई? जैसे आप लोग वोट दे दिया करो तो आप अपने घर परिवार की व्यक्ति की मानो या अपनी मर्जी तो दो? हम घर परिवार के माना, अपनी मर्जी तो क्यों देवा? जैसे महिलाएं हो गई उनका वोट जो वो देंगी तो परिवार वालों की मान के देती है, अपनी मर्जी से नहीं देती? अपनी मर्जी नहीं चलती। हमारे सात वोट है तो सातों का सात सवेर गए, हाँ भाई क्या करोगे, अच्छा देखो कौन सा पढ़ा लिखा कौन सा ये देखना। तो महिला भी वही वोट देंगी? महिला जो मैंने कह दिया ना मेरी देगी, लड़का बोल रहा उसकी बात है, मतलब जनानी जनानी मानेंगे आपस में सारे, अपनी मर्जी से कोई नहीं देगा। तो ये नियम जो है महिलाओं पे लागू है तब ना सारे पर, वह भी पूछेंगी उनसे पूछा जाएगा भाई तुम बताओ, वो कहेंगे नहीं तुम अच्छे हो जाओ। तो अब की बार यहाँ जोर किन का लग रहा है? जोर तो दीदी वक्त से कुछ नहीं बता सकता, वह आदमी प्रेरण पावर वही प्रेरण। आज यहाँ अरविंद शर्मा जाओ भीड़ पाओगे, पता नहीं पीछे से आवे है गांव के हैं दीपेंद्र आजाद भी भीड़ पाओ है। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कौन है? ये विरोध तो वही कर रहे हैं जिन्हें खाने मिल जाए करते, मैंने खाने मिल जाए तो मैं भी विरोध कर दूँ, मैंने करके खाना है, हमारी तरफ से विरोध भी बराबर है और ये भी बाकी गलती से गलती है। जैसे किसान आंदोलन रहा, किसानों का गुस्सा रहा तो गुस्सा का मिलता, उसमें तो खुद बाणिया ने भी कही है भाई अगर वो काम नहीं होता तो आज 100 रुपए किलो गेहूँ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, बाणिया अपने गाँव वाँव के का जिक्र कर रहे हैं, शहरों के? अच्छा अच्छा, शहरों के व्यापारी, व्यापारियों ने भी ये बात बोला भाई ये कानून गलत था, अच्छा हो गया। वो तो खुद मेरे साथ भी बात हुई, मैं पंजाबिया में बैठू शहरों में बैठू, वो जिस तरह महिला पहलवानों के साथ हुआ वो गलत हुआ। आप भी तो जना नहीं है आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो गलत होगा और फिर उसको टिकट देगा बनाता हूँ तो अच्छा है कितना तो सही है उतना सही है। तो गुस्सा रहेगा बीजेपी के लिए रहेगा, बाकी आप सर्वे करो हो आपको भी पता होगा, तब हम पूछ रहे हैं आप जैसे बाशिंदों से लोगों से मतलब ये तो बता सको ना आप, तो एक मेरे से थोड़े पूछो, 50 से पूछो, 50 मतलब कितने आपके हैं, आप भी तो सर्वे कर दो, खुद मिला के नुकसान है आपके पास। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो दीपेंद्र की आए हैं, दीपेंद्र की है। अच्छा। पिछली बार क्यों हारे थे दीपेंद्र? वो तो कदम का सौदा है, चलो अब की बात देख लेंगे। धोखाधड़ी ये बताओ, 3 महीने बाद 75,000 से हारे, 3 महीने बाद वो 300 से क्यों जीती बार? अगर जब वो 75 के 70 आ जाए 3 महीने में 75,000 वोट टूट जाएंगे, वो सरासरी धोखा था। और वो तो सब करते आए, देवीलाल भी हरा था ऐसे धोखे से,
ये भूपेंद्र हुड्डा और देवीलाल जी का जो चुनाव है उसका जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, उसमें भी हरा था, देवीलाल जी हराए थे उसमें। देवीलाल 10,000 से जीता दिखाया, 3 मिनट बाद 387 से हरा दिया। ये तो कर रहे हैं आपस में, जिसकी जाँच चलती है हमारी यहाँ चलेगी, हम भी कोशिश करेंगे, आपकी चलेगी आप भी करोगे। हमने दीपेंद्र की वोट दी, दीपेंद्र की देंगे आगे भी, हर होया जीतो उसकी किस्मत है। और अरविंद हार आयो तो ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आज तक तो हमने देखा ही नहीं वो है कैसा। 5 साल हो गए इसने, हमने ये नहीं पता, यहाँ खड़ा होने कहने लगे मैं अरविंद हूँ। आ रहा होगा हूँ मैं। किसान की क्या सुनते हैं, कुछ बोले पड़े थे अब तक। ये रिपोर्टर कब जब ना आए, जब वो ओलावृष्टि हुई हम आए थे। तब आप हमारा चैनल पहले तो सब्सक्राइब कर रखा हरियाणा तक। मैंने तो बेटी यो फोन से मैं सब्सक्राइब करूंगा। हाँ, तो बिना देखे मत क्या आग्रहता हूँ मैं तो, जब मानूंगा मेरे क्यों खराब हो रहे मन पीछे मिलने के जब आए मानूंगा, मैं कहूंगा वो सरकार के हाथ में। वो जब दीपेंद्र अरविंद आवे ना, आप उनसे ये चीज कहियो, हमारा काम है थारी चीज लोग पहुँचाना, सरकार ती पहुँचाना है ना। सरकार नहीं है, चुनाव से पहले मुआवजा देना था, जमींदार जब जीना तो मरेगा, क्या वोट करेंगी? 60,000 रुपया कहाँ से भरेंगे? 60,000 रुपये मतलब खर्चा है साल का। भाई आप कुछ कहोगे? तो कुछ ना करती। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लोगों से, जान रहे हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। कैमरे के पीछे हैं अलीशा यादव और सामने हूँ मैं सोनिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।